औरंगाबाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा अंचल का एक महत्वपूर्ण महानगर, जो निजाम और मुगल दोनों काल में ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अलग महत्व रखता है। यदि हम भारत के मध्यकाल पर अपनी नजर डालें तो औरंगाबाद का जिक्र बड़े सम्मान से होता है। उल्लेखनीय है कि औरंगाबाद में ही औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और औरंगजेब की मृत्यु भी औरंगाबाद में ही हुई। आधुनिक समय में औरंगाबाद पहचाना जाता है अजंता एलोरा की विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं की निकटता और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आधुनिकता और भव्यता पर नाज करते मिलिंद महाविद्यालय के लिए। मिलिंद महाविद्यालय भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्वप्न साकार करता एक ऐसा विद्या महल है, जहां से हर साल हजारों छात्र अपनी उन्नति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। I am studying in BCS final year. I have been studied in this Milind College of Science since last 3 years. The environment of this college is very good. There are many people surrounded here and there are all studies. They all talk about studies or do about studies. And the staff is also very well experienced and well mannered and well capability of teaching. It helps the students very much. So that's why the performance of the students in studies is very good. Last year many people are passed with a good marks. मैं इस कॉलेज में BSc TY मतलब फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि यह कॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 1950 में स्थापना की थी। यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत और यहाँ का कॉलेज भी बहुत ही सुंदर है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल और केयरफुल है। मुझे यहाँ कॉलेज में पढ़ पाने का इतना अच्छा सा अवसर मिला, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। आई एम स्टडिंग इन BSc थर्ड ईयर। माई कॉलेज नेम इज मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस। Our founding father, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the great emancipator, social reformer, and also constitutional, has founded my college. So therefore, I am very much proud of my college. दरअसल 216 एकड़ भूमि में बड़ी शान से इठलाते मिलिंद महाविद्यालय में प्रवेश करते ही किसी विशाल शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने की अनुभूति होती है और भारतीय समाज व्यवस्था में हाशिए पर रहे शोषित पीड़ित वंचित समुदाय का छात्र जब मिलिंद महाविद्यालय की दहलीज पर खड़ा होता है तो वंचित समुदाय के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मन में जो असीमित करुणा रही, उस करुणा की छांव में अपने आप को शीतल और शांत पाता है। इस कॉलेज में पढ़ रही हो और अभी बी सी एस सेकेंड ईयर कर रही हो, किसी भी कॉलेज का स्टाफ अच्छा हो या स्टूडेंट अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली उसके कॉलेज का नाम बेहतर से बेहतर होते जाता है। इसलिए यहाँ का स्टाफ बहुत केयरफुल और बहुत अच्छा है और इसलिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट दिन पर दिन प्रतिदिन इस मेहनत से आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरे दुनिया में या पूरे औरंगाबाद में इसका मिलिंद कॉलेज का नाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं मेरे कॉलेज के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ और मेरा कॉलेज के बारे में एक ही शब्द कहना चाहूँगी मैं, ये कॉलेज बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत ही है। वंचित समुदाय के उत्थान का एकमात्र मार्ग है शिक्षा। ये बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में घर कर गई, उसी बात को यथार्थ में उतारने की मंशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1951 में
औरंगाबाद के केंद्र में नींव रखी गई मिलिंद महाविद्यालय की। ये औरंगाबाद की जमीन पूरी जो नागसेन वन है 276 एकड़, वो देखने के लिए बाबा साहब ने पहले चिटनी सर को यहाँ भेजा था। ऐसे बड़े बड़े फोटोग्राफ भी हैं, वो चिटनी सर है उसमें, बाबा साहेब बूढ़े उसमें हैं, और ये कंस्ट्रक्शन चालू होते समय चिटनी साहब हमेशा जरूर है। वराड़े सर वो भी निपानी, वहाँ के वराड़े साहब वो भी बाबा साहब के सानिध्य में, वो बाबा साहब उनके घर में रहते थे यहाँ आकर लक्ष्मी कॉलोनी में, वो वराड़े साहब का मकान था। और ऐसे हालात में वो सब पूरा हॉस्टल में एक बार बच्चों को खाना नहीं है, राशन ख़त्म हो गया, तो रमाबाई ने अपने मंगलसूत्र और जो सोने का जो है वो बाहर बेचा और बच्चों का इंतज़ाम रात का करवाया। इतना बाबा साहब और रमाबाई का वो बच्चों के ऊपर या शैक्षणिक संस्था के ऊपर प्रेम और प्राण था। ये जे मिलिंद हायस्कूल है याच्यासाठी आम्ही दगड़ जमा केले होते, कारण आम्ही स्वयंप्रेरणेने काम करत होतो, मजूर जरी असले तरी तो विद्यार्थ्यांनी या बिल्डिंगसाठी आमचा हे झालेला आहे। मिलिंद कॉलेज बाबासाहेबांनी स्थापन किया वाला पीपल एजुकेशन सोसाइटी का, जिसमें रुचि हो उसमें तरक्की कर सकता है। यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने वालों को संस्कृति और ज्ञान सिखाती है। यहाँ बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है कि औरंगाबाद शहर में मिलिंद महाविद्यालय का प्रस्तापित किया है। इतने मैं बीएससी झाल्यानंतर 1961-62 दरम्यान मी नागपूरला गेलो, त्यावेळेला इथे एमएससी नव्हता, आणि एमएससी नसल्यामुळे माझी इच्छा होती की फिजिक्समध्ये एमएससी करावं, म्हणून नागपूरच्या सायन्स कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळालं। त्यानंतर मधल्या काळामध्ये मला कुठे कुठे नोकरी करण्याची आवश्यकता भासली, आणि नोकरी करत असताना माझा बाबासाहेबाबद्दल केवळ माझ्या मनामध्ये एक स्वाभिमान असल्यामुळे, कारण मिलिंद कॉलेजमधून जे जे विद्यार्थी गेलेत त्या सगळ्यांना बाबासाहेब म्हटल्याबरोबर एक फार मोठी आपल्यासमोरचा एक फार मोठा गाईड आहे, फिलॉसॉफर आहे आणि फ्रेंड आहे अशी भावना असल्यामुळे जीवाचीसुद्धा परवा केली नव्हतो आम्ही। कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों के साथ आगे बढ़ते मिलिंद महाविद्यालय की इंच इंच भूमि के संग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भावनाएं जुड़ी हैं, और इसीलिए शायद बाबा साहब ने इस महाविद्यालय के परिसर का नाम बौद्ध परंपरा के महान दार्शनिक भंते नागसेन के नाम पर रखा है, और महाविद्यालय को नाम दिया है मिलिंद, जिनके नाम से बौद्ध साहित्य परंपरा का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ जुड़ता है मिलिंद प्रश्न। मिलिंद का नाव पाडलं याच्या संदर्भात जे वर्णन केलं आहे ते इतकं भावुक वाटलं, आणि एका विद्वान माणसाच्या कदर करण्याची जी मनोवृत्ती होती ज्याला इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपण म्हणतो, तर ती मिलिंदाकडे कशी होती ते त्यावेळेला त्यांनी सांगितलेलं होतं, म्हणून मिलिंदाचं नाव या कॉलेजला दिलं आणि या परिसराला नागसेन म्हटलं आहे। आता आपण मिलिंद प्रश्न वाचा, मी वाचल्यामुळे मी भारावून गेलो, फारच विद्वान माणूस होता तो मिलिंद, आणि त्याच्याही पेक्षा त्याचा गुरु एक लहान पोरगा, परंतु त्यांनी त्याला गुरु मानलं मिलिंदाने हे नागसेनाचं किती मोठेपण होतं, तर ते दोन प्रसंग मी कधी विसरत नाही। आणि ज्या ठिकाणी इथे बसलो मी, या ठिकाणी बाबासाहेबांनी हा वृक्ष जो लावला त्यांच्या स्वतःच्या हाताने लावला, त्यांच्या हस्ते त्याचं हे झालेलं आहे, रूपारोपण झालेलं आहे, तर तेही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलं, तर आमच्या डोळ्यामध्ये बाबासाहेब अजूनही असे तरळत राहतात की ते विसरत नाहीत। और इस लिहाज से बाबा साहब का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण और उनकी विशाल सोच का दर्शन हमें यहाँ होता है। 1950 से लेकर के आज तक इस महाविद्यालय में ऐसे बड़े बड़े नेताओं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, अन्य क्षेत्र के सामाजिक संगठन के बड़े बड़े व्यक्तियों को इस महाविद्यालय ने जन्म दिया है। वे आज भी देश की सेवा कर रहे हैं एवं अपने समाज की सेवा में जुट गए हैं। इस मराठवाड़ा रीजन में उनका आने का एक ही रीजन था कि ये जो रीजन है, ये जो प्रदेश है, वो प्रदेश
इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक, आर्थिक इस सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था और इन पिछड़े हुए समाज को अपने स्तर पर, ऊंचे स्तर पर लाने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस महाविद्यालय को स्थापित करने की बात किया। अब तो मिलिंद महाविद्यालय में विधि से लेकर कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट तक की आधुनिक शिक्षाएं भी जुड़ गई हैं। मैं संगणक शास्त्र विभाग की विभाग प्रमुख हूँ। मैं यहाँ पे 1998 से कार्यरत हूँ। मेरा बीएससी का शिक्षण इसी कॉलेज से हुआ है। यहाँ का जो वातावरण है जो बच्चों के लिए बहुत ही पोषक है, यहाँ पे जो हम फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं, हम इंटरनेट फैसिलिटीज़ देते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह से सेमिनार कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जिस वजह से इन बच्चों को मार्केट में जो आईटी वर्ल्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ है, वहाँ पे अच्छी तरह से स्थान मिलता है। यहाँ के पास आउट हुए हुए बच्चे अच्छी तरह से कार्यरत हैं। और हम यहाँ पे जूनियर आईटी पढ़ाते हैं, बीएससी पढ़ाते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, 100 आवर्स का कोर्स है, हमने करियर ओरिएंटेड कोर्स भी यूजीसी का यहाँ पे चलाया है। हम यहाँ पे जूनियर आईटी पढ़ाते हैं, बीएससी पढ़ाते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, 100 आवर्स का कोर्स है, हमने करियर ओरिएंटेड कोर्स भी यूजीसी का यहाँ पे चलाया है, जिसकी सर्टिफिकेट से उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मैं मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस में पढ़ती हूँ। बीसीएस फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की टीचिंग बहुत अच्छी होती है। बच्चों को जिस अंडरस्टैंड में समझ में आता है वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है। 1982 साली इथे या कॅम्पसमध्ये या मिलिंद विज्ञान महाविद्यालयामध्ये रुजू झालो। या संस्थेला एक वेगळा इतिहास आहे। बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली संस्था आहे। समाजाभिमुखता या ठिकाणी पाहायला मिळते। सामाजिक बांधिलकी, सामाजिक भान असलेलं, समाज भान असलेलं ही संस्था आहे। या ठिकाणी मला एक नवी दृष्टी मिळाली। सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे एक नजर तर माणसांना प्रत्येक जन्मासोबतच असते, पण जी नजरेसोबत जी दृष्टी असावी लागते ती दृष्टी मला या कॅम्पसने दिली आणि ते मी माझं भाग्य समजतो की या कॅम्पसमध्ये मला काम करण्याची संधी मिळाली। ये कोई बताने वाली बात नहीं कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वह सामान्य जनों की पहुंच से बाहर मानी जा रही है। लेकिन बाबा साहब ने वंचित समुदायों में शिक्षा की अलख जगाने जो मिलिंद का निर्माण किया, तो यहाँ की शिक्षा आज भी कम से कम खर्चे में ही पूरी होती है और वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ। मैं वाशिम जिले से यहाँ पढ़ने आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि इस कॉलेज में पढूं। मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है। वो केवल मेरे परिवार की वजह से कि मेरे परिवार ने मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा है। यहाँ का हर व्यक्ति, हर इंसान यहाँ आने के बाद मुझे पराया नहीं तो अपना सा लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज में पढ़ के। हमें गर्व है कि हमारा ये जो बच्चे गरीब से, गरीब फैमिली से, कुटुंब से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाथ से पकाते हैं, रहते हैं और उनको शिक्षा देने का हमारा जो प्राध्यापक वर्ग है हमेशा जुड़ा रहता है। मैं इस कॉलेज में थर्ड ईयर को पढ़ती हूँ, बीएससी। मैं एक्चुअली यहाँ की नहीं हूँ, मैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ये कॉलेज का नाम है इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉलेज स्थापन किया है, लेक्चरर है जो वहाँ हमें बहुत अच्छे तरह से गाइड करता है। ये कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही आज्ञाकारी, जो विद्यार्थियों के अंदर जो एक चाहिए कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए,
आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ऐसे सभी बातें, सभी गुण आपको अपने बच्चों में, यहाँ के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वहाँ से इन बच्चों में आपको मिलेगा। जो पढ़ते हैं बच्चे वो यहाँ शहरी नहीं है, वो ग्रामीण भाग से आए हुए हैं, देहाती भाग से आए हुए हैं। मगर जब वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, शुरू में बहुत डरे हुए या जो बाहर से आए हुए बच्चों के जो इरादे रहते हैं बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, मगर यहाँ पर जो उनको एक स्वाभाविक रूप से ये जो ट्रेनिंग मिलती है पढ़ाई के साथ साथ, तो यहाँ पर जब बच्चा वो ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ से निकलेगा तब आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि ये बच्चा पूरा मैच्योर होकर बाहर निकला है। मिलिंद महाविद्यालय की यह है विज्ञान प्रयोगशाला, जहां स्नातक और स्नातकोत्तर विज्ञान का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से सीखा जा रहा है। ये हमारे मिलिंद कॉलेज केमिस्ट्री के एमएससी केमिस्ट्री के लैबोरेटरी है। ये हमारे बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ केमिकल्स सब अवेलेबल है। बाबा साहेब का ये कॉलेज है इसलिए यहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। मिलिंद साइंस कॉलेज में सीनियर लेक्चरर है। सीनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ाती हूँ। और कॉलेज की स्ट्रेंथ अच्छी है। जूनियर कॉलेज में 12 स्टूडेंट है और सीनियर कॉलेज में 600 स्टूडेंट है। और हमारा कॉलेज वेल डेवलप्ड है। लैबोरेटरीज वगैरह अच्छे है, म्यूजियम का अच्छा है। और हमारे डिपार्टमेंट में सब नियर अबाउट 6000 स्पेसीज है। वो अलग अलग इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के हैं। लैब भी बहुत बड़ी है और क्वालिफाइड सब टीचर्स पढ़ाने के लिए है। आज मिलिंद महाविद्यालय का नाम मराठवाड़ा क्षेत्र की प्राचीनतम उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल है। पाली साहित्य और मनोविज्ञान की विशिष्ट अभ्यासिका के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध मिलिंद महाविद्यालय अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ पढ़ाई के लिए भी खासा लोकप्रिय है। बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसका नाम बार बार ले सके। और यहाँ पे आके हमें सचमुच ऐसा लगा कि हम बहुत सच में बहुत लकी है। हमारे कॉलेज के प्रत्येक प्रोफेसर इतने केयरफुल है कि वो हमें हमेशा ये कहते रहते हैं कि ट्राई ट्राई टू डू सक्सेस। हम भी उनसे ये कहते हैं कि वी विल सक्सेस। जब इस कॉलेज का फाउंडेशन शुरू था तब बाबा साहब जब देख रेख के लिए आते थे तब वो जो साथ में बुक्स लाते थे वो यहीं पर छोड़ जाते थे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आज वो किताब देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ। मिलिंद महाविद्यालय जिस नागसेन वन में विराजमान है, वहां का ये गार्डन। इसका आर्च स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया और उसके मूल रूप में आज भी ये वैसे ही सहेजा जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो वनस्पति शास्त्र विभाग है वो उसका जो जननी कहा जाता है तो यह विभाग है। यहाँ के पहले विभागाध्यक्ष के आर इनामदार जो कि जाने माने वनस्पति विज्ञान के शास्त्रज्ञ थे और यहाँ के प्रिंसिपल पद्मश्री डॉक्टर एमएल शाहरे जो कि बाद में यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, वो भी यहाँ यहीं से ही गए हैं। इस विभाग का यह योगदान है कि इसने बहुत सारे वैज्ञानिक इस विभाग से, मराठवाड़ा विभाग से दिए है। लेकिन बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। और विद्यार्थी के बारे में अगर मैं बताऊँगा तो हमारे पास जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करता है वो दूर दराज से आया हुआ है, गरीब है और काफ़ी पोलाइट है। जो है पर्टिकुलर हमारा स्टूडेंट है, जो पर्टिकुलर हमारे विद्यार्थी है वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं। अभी तक हमारे कई स्टूडेंट्स बाहर देश में भी गए हैं, अभी भी जाते हैं और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हमारा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ग्रंथ प्रेम
पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ऐसे ग्रंथ प्रेमी बाबा साहब ने जो दुनिया भर से ग्रंथ इकट्ठा किए, उनमें से कुछ खास ग्रंथ मिलिंद महाविद्यालय की इस लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है, जो यहाँ के छात्रों के लिए एक विशेष मार्गदर्शक के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़े हो जाते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के काम की वजह से आते थे, तो अपने साथ जो किताबें लेकर आते थे उसमें से कुछ किताबें यहाँ पर है, जिस किताबों का यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। बाबा साहब ने जिन्हें गुरु माना था वो संत कबीर दास जी का कबीर मंशूर। इस कबीर मंशूर की विशेषता यह है, यह ग्रंथ उसके मूल स्वरूप में उस वक्त की उसकी ओरिजिनल परचेस रिसिप्ट के साथ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। परचेस रिसिप्ट की डेट है 1 जनवरी 1955, और इस ग्रंथ पे बाबा साहब ने अपने स्वाक्षरी भी की हुई है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वक्त बुद्ध धर्म के अनुसार एक ग्रंथ का लेखन किया, उस ग्रंथ को उन्होंने परिचितों के पास भेजा था समीक्षा कारणवश। यहाँ पर सभी परिचितों के पास से वह ग्रंथ उत्तम सिद्ध होकर वापस आया। सिर्फ एक सजेशन आया, वो सजेशन था द बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल की जगह इसका नाम बुद्धा एंड हिज धम्मा रखा गया। हमें ये टीका टिप्पणी और ये ग्रंथों को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के ग्रंथ और उनके विचार ही हमें प्रत्यक्ष उनका हमारे साथ होने का एहसास देते हैं, और यही हमारे लिए चिरंतन स्मृति है। पूरी कोशिश करते हैं इसे अच्छे से अच्छा संभाल कर रखे, अगले जनरेशन तक इसे ले जा सके। बाबा साहब के 8-10 ये फुल कपाट भरे हुए हैं, उसमें करीब करीब 10,000 किताब बाबा साहब ने हैंडल किया हुआ किताब है। हर एक बुक में ऐसे फ्लैग लगाया हुआ जहाँ बाबा साहब ने खुद का सिग्नेचर की बनाया है, जब खरीदी किया है और जब यहाँ मुकाम में थे तो उसी टाइम एक एक बुक वहाँ लाया और यहाँ जमा करते 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 10 कपाट फुल पड़ा है। मैं यहाँ ग्रंथालय में करीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ, और इसमें जो बाबा साहब के ग्रंथ जो जतन किया है वो महाराष्ट्र शासन ने जो प्रकाशित किया है वो खंड आवृत्ति यहाँ पे पूरी तरह से सेफ रखा गया है। बाबा साहब के जीवन की सबसे जो उनको जो प्रिय था किताबें, जो किताबें बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो चीज़ें उपयोग में लाई थी वो चीज़ें हमें नज़दीक से उसको प्रेरणा लेने का हमें यहाँ पे मौका मिला है, और यहाँ पे सच में हम खुशनसीब मानते कि आने वाली पीढ़ी यही ऐसे ही संस्कारमय होती जाए। कोई शिक्षा संस्थान किस गुणवत्ता का हो ये हम मिलिंद महाविद्यालय को भेंट देकर ही समझ सकते हैं। मला बाबा साहब आंबेडकरांचं दर्शन झालं, त्यांच्यासोबत माझा फोटो निघाला, ते पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं की या काळामध्ये आपण इतके दिवस वाचलो आणि बाबासाहेबांच्या सोबत फोटो आहे ही कल्पनाच मला इतकी भारावून टाकते की कल्पनेच्या पलीकडे। एक आदर्श शिक्षा की व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है औरंगाबाद का ये मिलिंद महाविद्यालय।